नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी मिजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। हिजाब विवाद के बीच कॉलेज के पास घातक हथियार। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच पुलिस ने रविवार को उडुपी जिले के कुंडापुर में सरकारी पीयू कॉलेज के पास घातक हथियार ले जा रहे दो लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अब्दुल मजीद और रजब के रूप में हुई है। दोनों आरोपी कुंडापुर के पास गांव गंगोली के रहने वाले हैं। जिला पुलिस ने कहा है कि पांच व्यक्ति घातक हथियार ले जा रहे थे और उनमें से तीन मौके से भागने में सफल रहे। कुंडापुर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। इसी बीच राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नगेश ने कहा है कि समान यूनिफॉर्म कोड का पालन न करने वाले छात्राओं को अन्य विकल्प तलाशने की छूट है। नगेश ने मैसूर में कहा कि जैसे सेना में नियमों का पालन किया जाता है, वैसे ही यह शैक्षणिक स्थानों में भी किया जाता है। उन लोगों के लिए विकल्प खुले हैं जो इसका पालन नहीं करना चाहते। इमरान खान के गढ़ में पांच सैनिकों की मौत। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादी हमले में पाकिस्तानी सेना के पांच जवान मारे गए हैं। कुरुम जिले में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तानी ने ली है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि आतंकवादियों ने अफगान सीमा के अंदर से पाकिस्तानी सैनिकों पर गोलियां चलाई। पाकिस्तान ने कहा है कि वह अफगान जमीन का इस्तेमाल आतंकवादी हमलों के लिए किए जाने की कड़ी निंदा करता है। खैबर पख्तूनख्वा प्रधानमंत्री इमरान खान का गृह राज्य है। पाकिस्तान सेना के प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने आतंकियों ने अफगान की धरती से पाक सैनिकों पर गोलियां चलाई। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार हमारे सैनिकों की गोलीबारी में आतंकवादियों को भारी नुकसान हुआ है। इस गोलीबारी के दौरान पांच जवान मारे गए। पाक पीएम इमरान खान ने लता मंगेशकर के निधन पर जताया शोक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का रविवार को मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया था। अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए खान ने कहा है कि मंगेशकर की मृत्यु के साथ उपमहाद्वीप ने वास्तव में दुनिया का महान गायकों में से एक को खो दिया है। खान ने ट्विटर पर आगे लिखा, उनके गाने सुनकर पूरी दुनिया में इतना सारे लोगों को बहुत खुशी मिली है। इमरान खान ने लिखा, लता मंगेशकर की मृत्यु के साथ उपमहाद्वीप के दुनिया की उन महान गायकों में से एक को खो दिया है जिन्हें दुनिया जानती है। उनके गीतों को सुनकर पूरी दुनिया के बहुत से लोगों को सुकून मिलता है। ओवैसी कार अटैक। मुझे ये उम्मीद थी कि ओवैसी मर गए होंगे। ओवैसी की कार पर फायरिंग करने वाले आरोपी का इकबालिया बयान है। 3 फरवरी को लोकसभा सांसद असुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग हुई थी। गाजियाबाद के 86 टोल गेट के पास घटना को अंजाम दिया गया था। तब वो अपना व्यस्त चुनावी कार्यक्रम से दिल्ली लौट रहे थे। हमला करने वाले दोनों आरोपियों ने यूपी पुलिस को दिए बयान में बताया है कि उसने पहले ही 3 बार हमले की योजना बनाई थी। हालांकि वो उससे पहले सफल नहीं हो सके। गुरुवार यानी 3 फरवरी को मेरठ से दिल्ली लौटते समय ओवैसी कार पर फायरिंग की गई थी। इसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। बाद में सचिन शर्मा और शुभम नाम के दो आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। गोदाम में घुसे चोरों ने पहले पी शराब फिर लेकर 2.5 करोड़ का सामान। बिहार के दरभंगा में चोरों ने एक गोदाम से दवा हर्बल कंपनियों का करोड़ों की कीमत का सामान गायब कर दिया। गोदाम में लगे सीसीटीवी के रिकॉर्ड भी चोर अपने साथ ले गए। पीड़ित ने थाने में लिखित शिकायत में कहा है कि गोदाम से 2 से 2.5 करोड़ की चोरी हुई है। पुलिस मामले की जाँच करे। जानकारी के अनुसार बिहार के दरभंगा में लक्ष्मी सागर बालाजी एजेंसी के गोदाम में चोरों ने सेंधमारी कर 2 से 2.5 करोड़ का सामान पार कर दिया। गोदाम में बोतल के अलावा 5 गिलास भी पाए गए हैं। यानी चोरों ने चोरी करने से पहले मौके पर जमकर शराब पी, इसके बाद सामान समेट कर ले गए। सुबह जब लोगों ने देखा तो जानकारी गोदाम के मालिक को दी। एक ही लड़की से दो दोस्तों को हुआ प्यार फिर हुई कत्ल की वारदात। मध्य प्रदेश के रीवा में उत्तर प्रदेश की सीमा पर प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की गोली मार के हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए पड़ताल की तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। पुलिस ने कहा है कि युवक को उसी के जिगरी दोस्त ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार यह मामला रीवा जिले के चाक घाट थाना क्षेत्र का है। यहां रायपुर बस्ती के रहने वाले 30 वर्षीय राकेश आदिवासी की यूपी बॉर्डर पर लाश मिली थी। उसे गोलियां मारकर सड़क के किनारे फेंक दिया गया था। सूचना पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जांच कराई। पुलिस ने पंचनामा बनाया। विसर्जन जुलूस के दौरान युवक की हत्या के बाद तनाव। हजारीबाग जिले के बहरी थाना अंतर्गत नाइटान गांव में रविवार संध्या विसर्जन जुलूस देखने जा रहे 17 साल के किशोर रुपेश कुमार की एक दूसरे समुदाय
से मारपीट के बीच मौत हो गई। वहीं नाइटाइन ग्राम निवासी सिकंदर पांडे का पुत्र था। मारपीट में रुपेश गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल बहरी अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। रुपेश अपने माता पिता के इकलौता पुत्र है। उधर घटना के बाद बढ़ते तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने रविवार की आधी रात से ही इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगा दी। प्रशासन में ऐसा इसलिए किया गया है कि शरारती तत्व इस घटना को लेकर कोई अफवाह उड़ाकर माहौल खराब करने की कोशिश नहीं कर सके। 900 रुपए के लिए हैवान बना बेटा, पिता को उतार दिया मौत के घाट। महाराष्ट्र के पालघर में रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई। यहां 1 फरवरी को एक 35 वर्षीय युवक ने पिता की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि शख्स ने अपने पिता से पैसे मांगे, तब जब उसके पिता ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो गुस्से में आकर उसने उनकी हत्या कर दी। पिटाई के कारण जानू को काफी गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उन्हें मोखड़ा अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उनकी नाजुक हालत को देखते हुए नासिक के अस्पताल में रेफर कर दिया, लेकिन रविंद्र उन्हें नासिक ले जाने की बजाय घर ले आया, जिसके बाद उनकी अगले दिन ही मौत हो गई। सुरेश रैना के पिता का निधन। टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर सुरेश रैना के पिता त्रिलोक चंद रैना का आज रविवार गाजियाबाद में उनके निवास स्थल पर देहांत हो गया। वे लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। त्रिलोक चंद रैना मिलिट्री ऑफिसर थे। वे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बम बनाने के एक्सपर्ट थे। त्रिलोक चंद रैना रैनावाड़ी गांव के रहने वाले थे। यह उनका प्रत्येक गांव था। यह गांव केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आता है। 1990 के दौर में जब इस राज्य में कश्मीरी पंडितों की हत्या होने लगी तो त्रिलोक चंद ने पूरे परिवार के साथ यहां गांव छोड़ दिया था। इसके बाद वह अपने पूरे परिवार को लेकर मुरादनगर में बस गए थे। सलमान खान ने की सुनील ग्रोवर की मदद। सुनील ग्रोवर हाल में ही अपनी खराब तबीयत के चलते खबरों में छा गए थे। कुछ दिन पहले ही उनकी हार्ट सर्जरी हुई है। दरअसल दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें आनंद फानन में मुंबई के जाने माने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे दावे भी किए गए हैं कि बीते महीने से ही वो डॉक्टर के कहने पर कुछ दवाइयां ले रहे थे। सीने में दर्द की शिकायत करने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दवाइयों को लेने की सलाह दी। अब सुनने में आ रहा है कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने सुनील ग्रोवर की मदद करने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि सलमान खान ने अपने डॉक्टरों की टीम से सुनील ग्रोवर को कड़ी निगरानी में रखने के लिए कहा है। ये थी सुबह की 10 ताजा खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।